आखिर कौन है प्रेमानंद जी महाराज, बाकी बिहारी से कैसे बने राधा रानी के भक्त, वृंदावन आकर कैसे बदली प्रेमानंद महाराज की जिंदगी, दोनों किडनी पहले ही हो चुकी है फेल, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग रात भर करते हैं प्रतीक्षा, आखिर क्या है उनके पीछे की असली कहानी, आइए जानते हैं वीडियो में आगे। प्रेमानंद महाराज एक चर्चित संत है, वह मूल रूप से कानपुर के रहने वाले है। उन्होंने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था और संन्यास धारण कर लिया था। उन्होंने राधा रमन मंदिर से गुरु दीक्षा ली थी। वृंदावन आकर प्रेमानंद महाराज की कैसे जिंदगी बदल गई, वह बाकी बिहारी से राधा रानी के भक्त कैसे बन गए, आइए जानते हैं उनके बारे में। प्रेमानंद महाराज बचपन में वृंदावन आ गए थे। उन्होंने वृंदावन आकर राधा रमन महाराज के मंदिर से गुरु दीक्षा ली थी। प्रेमानंद महाराज भगवान बांके बिहारी के भक्त थे। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान उनके साथ एक चमत्कार हुआ, जिसके बाद वो राधा रानी की भक्ति में रम गए। राधा रानी की भक्ति प्रेमानंद महाराज करीब 18 वर्ष से कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज मूल रूप से कानपुर के रहने वाले। बचपन में उन्होंने ठाकुर जी वृंदावन बुला लिए थे। यहाँ आने के बाद वो भगवान की भक्ति में रम गए। प्रेमानंद महाराज पहले ठाकुर बांके बिहारी की आराधना किया करते थे। प्रेमानंद महाराज एक वीडियो में यह बताया कि वो प्रतिदिन भगवान बांके बिहारी के दर्शन के लिए आते थे। जब भी वो बांके बिहारी के दर्शन के लिए आते थे तो ठाकुर जी के लिए तुलसी का पत्ता भोग के लिए लेकर आते थे। उन्होंने बताया कि एक बार ठाकुर जी के दरवाजे पर पत्ता रखा था कि अचानक से वो आवाज़ आई, पीछे मुड़कर देखा तो एक संत खड़े थे। वह उन्हें राधा रमन मंदिर ले गए, जहाँ जाने के बाद उनके अंदर राधा रानी की भक्ति जग गई। प्रेमानंद महाराज वृंदावन आकर पहले ठाकुर की आराधना में लीन थे, बांके बिहारी के दर्शन जाते थे, भगवान के लिए भोग तुलसी का एक पत्ता लेकर जाते थे। उन्होंने एक वीडियो में बताया कि तुलसी के बगीचे से वो तुलसी का पत्ता तोड़कर बांके बिहारी का भोग लगाया करते थे। महाराज मंदिर जाने के बाद ठाकुर से भोग के लिए विनती करते थे। एक वीडियो में प्रेमानंद महाराज ने यह भी अपने भक्तों से कहा कि वृंदावन आने के बाद उन्होंने अलौकिक दर्शन की अनुभूति हुई। उन्होंने बताया कि राधा रमन से उन्हें राधा रानी के नाम की लगन लगी। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब है, लेकिन वह फिर भी स्वस्थ है। राधा रानी की असीम कृपा उनके ऊपर है।